इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। सबसे प्रथम वर्ष मेरे विधायक बनने के प्रथम वर्ष पहला उद्देश्य यही है, सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और जितने भी वकील हैं सब पे डंडा चलाऊंगा, ये गैंगस्टरगिरी नहीं चलने वाली है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर वायरल खबरों के शो के साथ जिसका नाम है आज क्या है वायरल। बताइए कैसे कैसे प्राणी चुनाव के वक्त सामने आते हैं, अजीब अजीब से दावे करते हैं। कानपुर से एक जनाब का वीडियो वायरल हुआ, चचा कह रहे थे कि अगर विधायक बन गया तो पुलिस प्रशासन पर डंडे चलाएंगे, वकीलों के घर जलाएंगे। देखिए जरा, सबसे प्रथम वर्ष मेरे विधायक बनने के प्रथम वर्ष पहला उद्देश्य यही है, सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और जितने भी वकील हैं सब पे डंडा चलाऊंगा, ये गैंगस्टरगिरी नहीं चलने वाली है। ये गैंगस्टरगिरी और एडवोकेट सुन लीजिए, ये गैंगस्टर कानपुर बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुन लीजिए, ये जो एडवोकेट गुंडा कर दी है ना, ये अपने घर में रखिए। जिस दिन मैं बन गया विधायक उस दिन आप लोग के घर चलेंगे, ये मेरा वादा है। फिलहाल विधायकी तो छोड़िए, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इनको तलाशने में लग गई है। पुलिस भी कह रही होगी माँ कसम मिल जाए एक बार, तबीयत से मौसम इनका भी ठीक कर देंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर एक विजिटिंग कार्ड जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया गया कि भैया ये वही हैं जो पुलिस और वकीलों के घर जला रहे थे। खास बात तो इसमें इनके नाम की थी, अनुराग मिश्रा उर्फ किंग कोबरा को कानपुर की साधारण पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गजब सुहाना चुनावी मौसम था, देखा कि दल बदल की राजनीति तेज हो गई है, तो सोचा कि यूपी में कांग्रेस को कौन पूछने वाला है, चलो उस ओर जिसकी तमन्ना पहले से थी। लेकिन अफसोस, यहां से भी हाथ धो बैठे और वहां से किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अब सब कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद की। कुछ दिन पहले ही इमरान मसूद ने फेसबुक पर प्रोफाइल पिक अखिलेश यादव के साथ वाली लगाई थी, लेकिन हाय रे जमाना, हटानी पड़ी। दरअसल सहारनपुर में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस से सपा में गए इमरान मसूद को अब तक कहीं से टिकट नहीं मिला है। इमरान को सपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी से अब मिले इस बेरुखी से इमरान मसूद का कैंप हैरान और परेशान है। कहा जा रहा है कि अब इमरान मसूद का कैंप बीएसपी से संपर्क में है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक जनाब तो लिखते दिखे कि मेरा ये मानना है कि जो भी एमएलए या एमपी चुनाव के समय अपना दल बदलता है, उससे साफ हो जाता है कि किसी लालच में दूसरी पार्टी में जा रहा है। हम लोगों को ऐसे प्रतिनिधियों को रोकने के लिए उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना चाहिए, जिससे दल बदल पर रोक लगे। लेकिन भैया ऐसे तो यहाँ कई महारथी होते हैं, ना केवल यूपी में बल्कि राजनीति के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक देख लीजिए, हर जगह कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा। बहरहाल इमरान मसूद पर चर्चा तेज है, देखने वाली बात होगी कि इन्हें कहां से टिकट दिया जाएगा, किसकी तरफ से दिया जाएगा। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भैया अगली खबर पर जाने से पहले मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं कि प्रयागराज की भूमि पर ऐसा क्या है कि भैया जिस नेता को देखो वो जलेबी छान रहा होता है। पहले संजय गुप्ता, तो कभी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अब कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी यही करते दिखे। तो सुना आपने, पीछे खड़ी चाची भी मौज ले रही हैं, कह रही हैं कि आदत छूट गई होगी इसीलिए मंत्री जी से जलेबियां छन नहीं रही हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री नंदी जो है अपने एरिया में भ्रमण पर निकले थे। चुनाव के मद्देनजर संगठन की मजबूती के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात कर रहे थे। रामनगर चौराहे के पास पहुंचे तो एक दुकान पर जलेबी छन रही थी। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मंत्री नंदी जो है उन्होंने जलेबी बनानी शुरू कर दी, तभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर चर्चा बड़ी तेज है। तो भैया ये आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब।
जाते जाते सुनिए कि अब चुनावी अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट और यूपी तक के चैनल पर मिलेंगे। तो तमाम वेबसाइट्स की खबरों को पढ़ने के लिए, साथ ही साथ वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, पढ़ते रहिए यूपी तक। नमस्ते।